तो भाई लोग नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं फीफा 23 के केमिस्ट्री सिस्टम के बारे में कि इस बार केमिस्ट्री का लोचा क्या हो रखा है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं बिना देरी के साथ। तो भाई देखो ऐसा है कि फीफा 23 में जो केमिस्ट्री सिस्टम है वो 10 केमिस्ट्री से 3 केमिस्ट्री पे आ गया है। 3 केमिस्ट्री का जो लफड़ा है उसमें थोड़ा एसबीजी करने में भी इशू आ रहा है, टीम बनाने में भी इशू आ रहा है, बट फिर भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको काउंटर करें और सही तरीके टीम बनाएं। एक तो ये भी लफड़ा है कि अगर अपने प्लेयर प्रॉपर पोजीशन पर नहीं खेलता है तो भी उसको इशू हो रहा है टीम में बैठने में, विच इज जैसे कि कोई बंदा राइट विंगर है तो उसको आप आरएम पे रखते हो तब भी उसको आप नहीं खिला सकते, उसकी कैम ही नहीं फुल होगी। तो आर विंग पे, आरएम पे, सीएम पे, सीडीएम पे, सेंटर बैक पे, या इसके अलावा जो अगली चीज है वो है पोजीशन मॉडिफायर, जिससे आप उस प्लेयर के अल्टरनेट पोजीशन पे जा सकते हो। वो भी थोड़ा चक्करबाजी है स्टार्टिंग में, हालांकि वो चीज डिसेंट रहेगी बट बाद में वो चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो उसको भी ध्यान में रखना पोजीशन मॉडिफायर कार्ड को। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फुडविन पे, बिकॉज यहाँ पे आप बेटर समझ पाएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस्मान डेम्बेले प्लेयर है, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि ये कोई बूस्ट नहीं है, ये अगर अपनी रॉन्ग कैंप पे खेल रहा है तो उसको कोई बूस्ट नहीं मिलेगा केमिस्ट्री का। 1 बूस्ट है, 2 बूस्ट है, देन 3 बूस्ट है। तीनों पे अलग अलग केमिस्ट स्टाइल पे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे अगर 9 बूस्ट पे आप कोई भी केमिस्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे, अब आप देखेंगे शैडो, कैटलिस्ट, हंटर, कुछ भी बूस्ट नहीं मिल रहा। हंटर अप्लाइड हो गई है, अप्लाइड है डेम्बेले, बट बूस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा बिकॉज वो बिना किसी स्टार के साथ है। 3 स्टार इज द मैक्स जो आप ये देख सकते हैं। तो जैसे ही अब अपन इसको 1 स्टार पे लेके जाएंगे तो आप देखोगे 2-2 बूस्ट लगना चालू हो जाएगा। हंटर, कैटलिस्ट, शैडो, इस पे 2-2, 2-2, 1-1, 1-1 ऐसा रहता है हंटर, कैटलिस्ट, शैडो पे। और इसी को आप अगर एंकर पे करेंगे या फिर हॉक पे करेंगे, जैसे हॉक करता हूं मैं, तो 1-1 हो जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर भी होता था। बट इस साल क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस साल बूस्ट कम है, पहले से उतना बूस्ट नहीं है। तो ये चीज़ तो हो गई हॉक एंड एंकर की, इस पर भी 1-1, 1-1 होगा और कुछ चीज़ें 2 हो जाएंगी, बाकी 1 रहेंगी। और शेडो पे 2-2, 2-2, 1-1, 1 और 2, और हंटर पे भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब आपने इसको करा 2 बूस्ट, 1 की जगह 2 बूस्ट पे 4 हो जाएगा डबल। तो यही चीज़ होती है कि हर चीज़ डबल होती है, 2 का 4, 4 का 8 और 0 का 2, तो इस तरीके से। तो ये आपके लिए इजी होगा अगर आपको समझाने वाला मिले, जैसे कि आपके होस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कैटलिस्ट पे अब आप देख सकते हैं क्रॉसिंग 8 बूस्ट है। अब मैं इसको 1 करूंगा, आधा हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर। अब ये देखो आप 2 का 4 हो गया, यहाँ पे 4 का 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे था 1 पहले, ये देखो। तो ये तरीका है। अब जैसे आपने इसको 3 बूस्ट कर दिया, अब आप पेस देखना, अभी 2 पे था +4, अब पेस हो जाएगा +8, जो कि मैक्स आउट हो गया क्योंकि डेम्बेले का ऑलरेडी पेस 93 है, तो +5 और +6 से ऊपर नहीं जाएगा। बट आप क्रॉसिंग देखिए, क्रॉसिंग देखिए आप, एक्यूरेसी देखिए, फ्री की एक्यूरेसी, अब इसमें देखिए आप, तो सीधा हाफ हो जाती है और उसमें 8 हो जाती है, तो डबल 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 होता जाएगा। दिस इज अ प्लेयर केमिस्ट स्टाइल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें प्लेयर हुई केमिस्ट्री में कैसे चेंज आएंगे। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है, समझ जाएंगे। इट इज बिट डिफरेंट बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आपको सही समझ में आ रही है तो। वो तो आप लोगों ने देखा जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्लेयर का बूस्ट कैसे आएगा, वो किस तरीके से टीम को हेल्प करेगा अलग अलग केमिस्ट स्टाइल के संग और अलग अलग केमिस्ट्री बूस्ट के संग। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक कंसेप्ट टीम बनाई है, इसमें आप इजी समझना इस चीज को। यहाँ देखिए राइट में, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बूस्ट हैं, नीचे आप देखेंगे कि कुछ भी बूस्ट नहीं है क्योंकि यह मोनोको का सिर्फ एक प्लेयर है टीम में, ठीक है ना। उससे पहले नेट्स का जो गोलकीपर है वो एक ही है, तो यहाँ पे कोई बूस्ट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो आ रहा है रियल मैड्रिड, 2 प्लेयर हैं तो 1 बूस्ट आ गया। अब जैसे 2-2 प्लेयर होंगे तो 1-1 बूस्ट बढ़ता जाएगा और लास्ट का जो फाइनल बूस्ट है वो 3 पे होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रियाल के 2 प्लेयर हैं तो 1 बूस्ट आ गया, तो जैसे चुआमेनी और लुकास वास्कस, तो दोनों ने एक दूसरे को 1-1 बूस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ेंगे पीएसजी, अब पीएसजी के जैसे किम्पेम्बे है और नूनो मेंडेज है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को 1-1 बूस्ट दिया, 1-1 बूस्ट डन हो गया इनका। अब उसके ऊपर आएंगे आप, तो आप देखेंगे स्पेन, स्पेन में अपन ने एक लुकास वास्कस, एक पेद्री, एक फरान टोरेस, 3 प्लेयर हैं तो सिर्फ 1 बूस्ट आया, अगर 2 प्लेयर और होते तो 1 और बूस्ट आया। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि लीग में
पहला जो बूस्ट रहता है वो 3 पे रहता है और कंट्री में पहला जो बूस्ट रहता है वो 2 का रहता है। तो 3-2 का अंतर कंट्री और क्लब का आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड बूस्ट रहता है वो क्लब लीग का रहता है 2 का, कंट्री का रहता है 3 का। तो दोनों में बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे लीग वन के 1-2-4 प्लेयर, तो जैसे लफोंट, किम्पेम्बे, नूनो मेंडेस एंड बेनेडर, तो चारों ने क्या नाम से एक बूस्ट तो ये वाला हो गया, एक पीएसजी वाला बूस्ट हो गया। और उसके बाद फ्रांस का 6 प्लेयर जो ही है, डेम्बेले, बेनेडर, चुआमेनी, कुंडे, लफोंट एंड किम्पेम्बे, तो इसने बेनेडर की फुल करा दी, वरना बेनेडर की फुल कैम नहीं होती। तो अब आप देख सकते हैं नूनो मेंडेस की फुल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक तो उसको लिंक मिल गया किम्पेम्बे से, बाकी उसको अपनी लीग के जो लिंक मिले हैं उसको अगर एक और लिंक मिलता, जो कि एक पेंडिंग है, आप ये देख पा रहे हैं लीग वन का एक पेंडिंग है, तो मेंडेस की हो जाती 3 कैम, जो फीफा 23 में 3 कैम होती है। तो जैसे ही अब मैं इसको हटाऊंगा लुकास वास्केज को, अब मैं ये स्टार पे दबाने के लिए आप लोग को, ताकि आप लोग जल्दी समझ आए, एगुलर ना उसके क्लब का है नूनो मेंडेस के, ना उसकी कंट्री का है। अब देखो आप, नूनो मेंडेस की 3 बूस्ट हो गई, ऊपर देखो लीग वन के 3 आ गए, तो नूनो मेंडेस की फुल हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ फीफा 23 में, जो आपको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और आपको गेम खेलते हुए कभी भी ऐसी कुछ इश्यूज ना आए। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लेयर खरीदेंगे टीम में उसका पोजीशन जरूर चेक कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट विंग इस टीम में डालना है, डेम्बेले मैंने डाला था, क्योंकि डेम्बेले राइट विंग ही है, स्टार्टिंग में कोई भी पोजीशन मॉडिफायर अप्लाई नहीं करेगा प्लेयर को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप प्लेयर लेते टाइम कि कौन सी पोजीशन का प्लेयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो। जैसे पेपे है, पेपे इस टीम में फिट हो रहा है क्योंकि वो लीग वन का और लीग वन के लिंक्स हैं, लेकिन पेपे है आरएम। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये चेंज हो जाएगा आरविंग पे। तो आप टीम बनाते टाइम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आप जो प्लेयर ले रहे हैं वो आरविंग है, आरएम है, क्या है, क्योंकि उसी तरीके से आपका टीम का सेटअप जाएगा। जैसे ये टीम है, इसमें एलविंग एंड आरविंग है, तो आपको प्लेयर भी एलविंग एंड आरविंग ही डालने पड़ेंगे। और जैसे इसमें एक सीडीएम है, सीडीएम पे सीडीएम ही डालना पड़ेगा, सीएम नहीं डालेगा। इस बार अगर आपको केमिस्ट्री बूस्ट देना है किसी प्लेयर को, तो ये ध्यान में रखना कि पर्टिकुलर पोजीशन का पर्टिकुलर प्लेयर लेना है, ऐसे नहीं कि आरएम पे आरविंग ले लो, थोड़ा सा भी हटे और काम लगा आपका। तो कैसा लगा आपको वीडियो भाई लोग, कमेंट में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं और मज़ा कर रहे हैं इस तरह के वीडियो देखने का। और भी आगे वीडियो आते रहेंगे फीफा 23 रिगार्डिंग आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपकी सारी समस्याओं का जड़ और निवारण विभोर शर्मा ने फीफा पे हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले शॉर्ट्स में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।